अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। रसगुल्ले या गुलाब जामुन की चाशनी का अगर आपको भी समझ में नहीं आता कि क्या करें, फेंक दें या यूज़ करें, अक्सर फेंक ही देते हैं हम, तो फेंकने से पहले इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। काफ़ी टेस्टी और यमी डेज़र्ट तैयार होता है और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने, जिसमें डाला है कॉर्नफ्लावर, चीनी और मिल्क पाउडर। मिक्स करेंगे इसको दूध के साथ, हमें मिक्स करना है, जिसके लिए 1 कप दूध लिया है मैंने, जो कि ठंडा है, नॉर्मल है, यानी कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। मिक्स करेंगे, आधा दूध बचा हुआ वो भी डाल देंगे और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें गैस पर नहीं रखना है इसको। और आपको अगर केक वाला फ्लेवर चाहिए तो वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। चीनी तो जब हम गैस पर रखेंगे तब मेल्ट होगी, तो यहाँ पर मैंने इसको गैस पर रख दिया है और मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े इसमें। बहुत ही अच्छा और क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है इसमें, थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। गैस बंद करेंगे और फिर उसके बाद गुलाब जामुन खा लेंगे। हमें चाहिए आखिर इसकी चाशनी, तो खा लेंगे या फिर खिला देंगे। बची हुई चाशनी को एक पैन में डालेंगे और इसको गुनगुना कर लेंगे। बॉईल नहीं करना है, बहुत गर्म नहीं चाहिए, और यहाँ पर मैंने लिया है रस्क। अब इस गुनगुनी चाशनी में हम इसे डिप करेंगे। काफ़ी टेस्टी और यमी डेज़र्ट तैयार होता है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसके बारे में ये लगती है कि सिर्फ ये 5 मिनट में तैयार होता है। डिप करने के बाद रस्क को एक सर्विंग डिश में निकालेंगे। चाशनी मेक श्योर ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो रस्क टूट जाएंगे, और इसको हमें अरेंज कर लेना है। सर्विंग डिश में इस तरह से मैंने इसकी लेयर लगा ली है रस्क की, उसके ऊपर से जो क्रीम तैयार किया था उसको रखेंगे और स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से भी एक लेयर लगाएंगे रस्क की, जिसको चाशनी में टिप कर लिया है मैंने, और ऊपर से इस पर क्रीम लगाएंगे और इवनली स्प्रेड कर लेंगे। काफ़ी टेस्टी, यमी और ईजी डेज़र्ट है। और इसके ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने कोकोनट पाउडर डाला है, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसको हम कवर करके फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। और देखिए, आधे घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है, ये सेट हो चुका है, बेसिकली सेट होने के लिए और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा था। तो ये 5 मिनट में बहुत ही ज़्यादा यमी, टेस्टी और क्रीमी सा डेज़र्ट बनकर रेडी है। चिल्ड इसको सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई रियली होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और रसगुल्ले या गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी का इस्तेमाल भी अच्छा लगा होगा। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।